वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि आपको बताते चले कि चारों तरफ कोरोना महामारी का हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। डॉक्टर से लेकर नेताओं तक हर किसी को सलाह दी जा रही है कि सुरक्षित रहें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा इलाज घर पर बैठे रहें, मगर घर बैठे बैठे लोग बोर भी हो जाते हैं। तो आइए आज हम बॉलीवुड की कुछ कॉमेडी फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं जो आपकी बोरियत को दूर कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म गोलमाल की। तो बता दें कि रोहित शेट्टी को एक्शन फिल्में बनाने के लिए जानते होंगे, मगर इन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी दी हैं। इसका जीता जागता सबूत 2006 में आई फिल्म गोलमाल है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को हर किसी ने पहले ही देखा होगा। इस फिल्म की कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन है कि आप जितनी बार इस फिल्म को देखेंगे उतनी बार यह फिल्म आपको पसंद आएगी। फिल्म में तुषार कपूर, अरशद वारसी, अजय देवगन और शर्मन जोशी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म भी Amazon Prime Video पर उपलब्ध है। वहीं हम हेरा फेरी की बात करें तो बता दें कि 21 मार्च साल 2000 में रिलीज हुई है बॉलीवुड की यह एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। तो वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म आज भी TV पर आती है तो लोग सारा काम छोड़कर फिल्म देखने बैठ जाते हैं। फिल्म के किरदार बाबूराव राजू और श्याम को आज भी भुला नहीं पाया। एक रॉन्ग नंबर से पैदा हुई गलतफहमी किस तरह इन तीनों के किरदार की जिंदगी को प्रभावित करती है, फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। खैर, इस तरह से कई ऐसी फिल्में हैं जो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।